सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू टेक आर्ट। सो यार आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे इस टाइप का फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो ये वाला जो फोटो है मैंने कल मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था और इसका जो कलर ग्रेडिंग है बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो कलर ग्रेडिंग है मैंने बेसिकली लाइट रूम एप्लीकेशन का यूज़ करके किया है, वो भी मोबाइल को यूज़ करके। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इस टाइप का कलर ग्रेडिंग आपकी फोटो के ऊपर डाल सकते हो। और गाइज इस कलर ग्रेडिंग का जो नाम है इसका नाम है टील एंड ऑरेंज इफेक्ट। तो गाइज ये जो इफेक्ट है बहुत ही कमाल का इफेक्ट है। बहुत ही बड़े बड़े जो यूट्यूबर बहुत ही बड़े बड़े जो ब्लॉगर होता है वो इस टाइप का कलर ग्रेडिंग ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने शायद देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम को ज़्यादा फॉलो करते हो ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपने शायद देख लिया होगा कि इस टाइप का कलर ग्रेडिंग का इंस्टाग्राम पर कितना ज़्यादा क्रेज है। तो आज आप लोगों को बताऊंगा मैनुअली आप कैसे इस टाइप का एडिटिंग कर सकते हो। और जो लोग मैनुअली एडिटिंग नहीं करना चाहते उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्रीसेट का, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एडिट करने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे हैशटैग जरूर करना। जो भी मुझे हैशटैग करते हैं मैं सभी का जो हैशटैग देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा हैशटैग जरूर करना। और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 या फिर 3 नए नए कॉन्सेप्ट का या फिर रिटचिंग का फोटो अपडेट करते रहता हूँ, जैसे कि आपने देखा ये वाला फोटो। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो यार वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैंने जो है लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर ऑल फोटोज लिखा हुआ है, जो फोटो आप एडिट करना चाहते हो उस फोटो को आप लाइट रूम के अंदर ऐड कर लो, ठीक है। तो ऑल फोटोज़ को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर 3 फोटो मैंने ऐड करके रखा है, लेकिन एक ही फ़ोटो को मैं एडिट करूँगा जो कि टील एंड ऑरेंज इफेक्ट, आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो मैंने फ़ोटो यहाँ पर लेके आ गया हूँ। तो सबसे पहले जाएंगे ब्राइटनेस के ऊपर, ओके। इसका जो एक्सपोजर है इसको -10 कर देंगे और जो कॉन्ट्रास्ट है इसको -24 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसका हाईलाइट है इसको -70 कर देंगे, ओके। उसके बाद जो शैडो है इसको +56, उसके बाद जो वाइट है इसको हम करेंगे +20 और जो ब्लैक है इसको -25, ओके। उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल के यहाँ पर मैंने एक एक्सटर्नल प्रोफाइल यूज़ किया है जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कैसे कस्टम प्रोफाइल को आप ऐड कर सकते हो अपनी लाइटरूम में, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले ही बना के रखा है। तो वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेसिक के ऊपर क्लिक करूँगा और चला जाऊँगा सबसे नीचे, और यहाँ पर लिखा है ऑरेंज एंड टील, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। और जो फ्लैट लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको हम कर देंगे +200, ओके। उसके बाद कर देंगे यहाँ पर डन। उसके बाद हम सीधा चल जाएंगे कलर के ऊपर, और जो यहाँ पर जो वाइट बैलेंस है यहाँ का जो टेम्परेचर है इसको हम कर देंगे +20, ओके। इसको मैंने +20 कर दिया है जो टेम्परेचर है। उसके बाद आता है टिंट, टिंट को हम करेंगे +16, ओके। उसके बाद आता है वाइब्रेंस, इसको हम करेंगे +12। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है सैचुरेशन, सैचुरेशन को हम कर देंगे +4। उसके बाद हम जाएंगे मिक्स के ऊपर, ओके। मिक्स के ऊपर आने के बाद जो पहले नंबर का कलर है इसका जो ह्यू है इसको 0 रखेंगे और जो सैचुरेशन है इसको हम कर देंगे -28, ओके। उसके बाद जो लूमिनेंस है इसको भी हम 0 ही रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे 2 नंबर कलर के ऊपर, उसके बाद इसका जो ह्यू है इसको हम कर देंगे +15, ओके। उसके बाद जो सैचुरेशन है इसको हम कर देंगे -30 कर दिया जो सैचुरेशन है उसको। उसके बाद जाएंगे जो लुमिनेंस है इसको हम करेंगे +40 कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे जो हमारा 6 नंबर का कलर है उसके ऊपर जाएंगे जो कि ब्लू है, इसको हम कर देंगे -100 और जो सैचुरेशन है इसको भी कर देंगे -100, ओके। और जो लुमिनेंस है इसको हम कर देंगे +100, ओके। उसके बाद हम जाएंगे जो पर्पल कलर है इसके ऊपर जाएंगे और इसका जो ह्यू है इसको हम कर देंगे -100 और जो 8 नंबर का कलर है जो हमारा लास्ट कलर है इसके ऊपर जाएंगे, ओके। और इसका जो ह्यू है इसको हम कर देंगे +100, उसके बाद कर देंगे डन, ओके। और कलर को यहाँ से हम रिमूव हो जाएंगे और जाएंगे सीधा इफेक्ट के ऊपर, और इफेक्ट का जो टेक्सचर है जो पहले नंबर वाला जो टेक्सचर है इसको हम कर देंगे +14 और जो क्लियरिटी है इसको हम कर देंगे +26, ओके। उसके बाद जो डीएज है इसको हम कर देंगे +4 और जो विग्नेट है इसको हम कर देंगे -26, ओके। उसके बाद जो मिड पॉइंट है इसको हम कर देंगे -46, ओके। उसके बाद जाएंगे हम सीधा स्पिल टोन के ऊपर और इसका जो बैलेंस है कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ बैलेंस को +20 कर देना है,
ओके, उसके बाद कर देंगे सिंपली डन। और इफेक्ट के यहाँ से भी हम रिमूव हो जाएंगे और जाएंगे सीधा डिटेल के ऊपर, और जो शार्पनिंग है इसको हम कर देंगे +80। ओके, और जो रेडियस है 1.30, और जो डिटेल है 35, +35, और जो मैस्किंग है इसको हम कर देंगे 15। ओके, और जो नॉइज रिडक्शन है इसको हम कर देंगे हम 35। ओके, और जो डिटेल है 50 है, 50 रहने देना है। और जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट को हम कर देंगे 20, +20। और जो कलर नॉइज रिडक्शन है इसको भी कर देंगे हम 35। ओके, उसके बाद आता है जो लास्ट दो ऑप्शन, डिटेल्स और स्मूथनेस, इसको हम एकदम फुल 100 कर देंगे दोनों को ही। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो एडिटिंग है वो भी कंप्लीट हो चुका है, जो डिटेल वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम रिमूव हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो गाइज, हमारा जो एडिटिंग है वो ऑलमोस्ट का एकदम फुल्ली रेडी हो चुका है। आप देखो, ये बिफोर और ये आफ्टर, बहुत ही कमाल का इफेक्ट है। आप देख सकते हो फोटो पहले कैसा था और इसको रिटच करने के बाद फोटो कैसा बन चुका है। तो इसको आप सेव कर सकते हो, शेयर के ऊपर क्लिक करो और सेव टू डिवाइस कर लो। ओके, उसके बाद आप एक्सपोर्ट में जाके भी इसका जो इमेज साइज है इसको आप एकदम लार्ज करके जो JPG है इसको सेलेक्ट करो, और जो इमेज साइज है इसको लार्ज करके भी आप यहाँ से जो है इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ जाके फॉलो करो, मैं हफ्ते में 2 या फिर 3 नए नए कॉन्सेप्ट का या फिर रिटचिंग का फोटो अपडेट करता हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है उसको भी दबा देना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो यार, मिलते एक नई और ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।